Welcome back to All India Students Community. Today we will continue pipe and cistern. We have completed four topics, that is average, percentage, profit and loss, time and work. Now we will continue pipe and cistern. We have completed first part of pipe and cistern. चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न. जो पाइप एंड सिस्टर्न है उसके अभी हम पहला टाइप करेंगे. आज मैं पूरा पहला टाइप कंप्लीट करा दूंगा जो रिलेटेड है दो नल से, फर्स्ट टैप सेकंड टैप. जब थर्ड टैप आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा. पाइप एंड सिस्टर्न पूरा बेस है. जो पाइप एंड सिस्टर्न है ये पूरा किस पे डिपेंड है? ये पूरा है टाइम एंड वर्क पे. जैसे टाइम एंड वर्क हुआ है वैसे ही पाइप एंड सिस्टर्न चलेगा. अगर अभी तक आपने टाइम एंड वर्क नहीं किया है तो मैं फिर यही कहूँगा, पहले एक बार टाइम एंड वर्क कर ले, उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न करें. वैसे ट्रिक्स इसकी भी इजी है, आराम से हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बेस स्ट्रांग होगा तो फाउंडेशन अगर किसी चीज़ की स्ट्रांग होती है तो भाई वो इमारत भी अच्छी बनती है, मजबूत होती है. तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न. दो क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन है. टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 एंड 16. ये 18 है, 12 एंड 16 मिनट. टू पाइप्स है ए और बी, किसी सिस्टर्न को फिल करते हैं कितने मिनट में? 12 और 16 मिनट में. बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ खोला जाता है. बट 4 मिनट बिफोर द सिस्टर्न इज फुल, लेकिन 4 मिनट पहले जब जो वो टंकी है जो 4 मिनट पहले भरने वाली थी उसे 4 मिनट पहले पाइप को बंद कर दिया जाता है. कौन से पाइप को? ए को. जब टंकी भरने वाली थी उससे 4 मिनट पहले एक पाइप को बंद कर दिया जाता है जिसका नाम है ए. हाउ मच टाइम फिल विल द सिस्टर्न टेक टू फिल, तो कितना टाइम लगेगा उस टंकी को पूरा भरने में. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो पाइप है ए और बी, एक 12 मिनट में भरता है दूसरा भरता है 16 मिनट में, ठीक है. दोनों टंकियों को साथ खोला जाता है लेकिन 4 मिनट पहले जब टंकी भरने हुई होती है उसमें से एक एक पाइप को बंद कर दिया जाता है, एक नल को बंद कर दिया जाता है. तो हमें बताना है कि टंकी कितनी देर में भरेगी. चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. ए बी, ए भरता है 12 मिनट में, बी भरता है 16 मिनट में. दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम. 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48. 12 4 जा 48 16 3 जा 48. इतना करने के बाद हमने देखा ए 4 मिनट में भरता है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है. तो ए प्लस बी दोनों को साथ खोला जाता है लेकिन बाद में ए को क्या कर दिया जाता है? ए को बंद कर दिया जाता है तो बी अकेला भरेगा. बी अकेला कितनी देर तक चलता है? 5. ए इज क्लोज्ड बट 4 मिनट बिफोर द सिस्टर्न इज फुल. मैंने पहले भी कहा था लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो. जब 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया मतलब बाकी के 4 मिनट, लास्ट के 4 मिनट किसने काम किया? बी ने लास्ट के 4 मिनट काम किया है. बी ने लास्ट के 4 मिनट काम किया है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3. बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3. तो 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो 4 3 जा हो जाएगा 12. 4 3 जा 12. 48 में से 12 वर्क बी ने कर लिया है तो कितना काम बचा? 36. जो वो 36 काम बचा हुआ है वो किसने किया? ए प्लस बी ने, दोनों ने. ए प्लस बी दोनों ने. तो 4 और 3 7, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7. 4 और 3 7, 36/7. तो ये कितना आया? 5/1/7 सेकंड में ए प्लस बी ने पहले काम किया था. हमें निकालना क्या था? हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न टेक टू फिल, तो सिस्टर्न को भरने में कितना टाइम लगेगा, पूरा भरने में उसे कितना टाइम लगेगा. तो 5.5 मिनट इसने लिए, 4 मिनट उसने लिए, टोटल टाइम कितना लगेगा? 9/1/7 मिनट लगेगा. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. हमें बताना था कि पूरे उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा. जब बी 4 मिनट लेता है और दोनों ने उसे भरा है 5/1/7 मिनट में तो टोटल कितना टाइम लगा? 5 इसने लिया, 4 उसने, 5 4 9/1/7 मिनट के अंदर वो पूरी टंकी भर जाएगी. तो ये था थर्ड क्वेश्चन. अभी कुछ बच्चों ने, कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है, उन्होंने मेरे को कमेंट में बताया है,
तो आप परेशान मत होना, मैं एक दो दिन में उन पर वीडियो बना के डालूंगा। कभी सोच रहे हो कि 2 दिन से कोई प्रॉब्लम आपकी सोल्व नहीं कराई, मैंने कमेंट में भी उनका आंसर नहीं किया, तो मेरे को आपके कमेंट मिल रहे हैं, टेंशन मत लेना। जैसे ही क्वेश्चन 6-7 हो जाएंगे, वीडियो बनाने लायक हो जाएंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा जैसे पहले एक्सप्लेन किए थे, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक वगैरह सब मेरे को मिल रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। प्लीज़ बस इतना कीजिए करें कि जो वीडियो है ना ये, उसे शेयर कर दिया करो यार। जो लोग नहीं कर पाते कोचिंग, घर पे है किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं आके यहाँ पे दिल्ली में, या इधर उधर कहीं कोचिंग ले पा रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये सीरीज़, ठीक है? तभी मैं एक एक क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अगर आप कहीं मिस करते हैं मैं उसको आंसर करूंगा। बस आपको इतना करना है कि मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताइए, थोड़ा टाइम लगेगा यार, लेकिन मैं सबकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। सेकंड थिंग, जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट में बताएं कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कैसी लगी वीडियो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पे शेयर भी कर दिया करो यार। तो चलो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई टू पाइप्स फिलिंग सेपरेटली इन 12 एंड 16 मिनट। दो पाइप है, ठीक है? दो पाइप है, एक टंकी को भरता, ए भरता है तो 12 मिनट में, तो बी भरता है 16 मिनट में, ठीक है? बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ये बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोला गया। फॉर अ सर्टेन टाइम आउट बींग क्लोग्ड ओनली 7 एव क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फोर पाइप। कुछ रुकावट आ गई और जो पहले से जो पानी जा रहा था वो अब कितना जा रहा है, 7/8 जा रहा है, और दूसरे से जो पानी बह रहा है अब कुछ उसके अंदर, मतलब मान लो कुछ अड़ गया, कोई लकड़ी वकड़ी फंस गई, उसकी वजह से अब पूरा पानी नहीं फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से 7/8 जा रहा है पहली की एफिशिएंसी का, और 5/6 जा रहा है दूसरे वाले पाइप से। द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, उस रुकावट को हटा दिया गया। द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट, उस रुकावट को हटाने के बाद जो सिस्टम था, जो टंकी है, वो 3 मिनट में भर जाती है उस टाइम के बाद, जैसे ही वो हटाया, वो रुकावट हटाई पाइप से, उसके तुरंत बाद 3 मिनट बाद टंकी भर गई। हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, तो वो कितने देर तक वो रुकावट बनी रही हमें वो बताना है। आपको मैंने पहले बोला क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो इन इनका आंसर करने में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि जो अर्थमेटिक होता है वो क्वेश्चन होता है, उसका क्वेश्चन से ही उसका आंसर मिल जाता है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो। और एग्जाम में तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन है, अगर बाई चांस नहीं इंग्लिश में समझ आता तो हिंदी में जाके पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाले इंग्लिश में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन होता है एक लैंग्वेज में समझ नहीं आता लेकिन दूसरे में आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या था, दो पाइप है, एक 12 में भरता है एक 16 में, कुछ रुकावट आती है जिसकी वजह से पहले में 7/8 पानी जाता है और दूसरे में 5/6, तो ये पूछ रहा है उस रुकावट को हटाया गया, और उस रुकावट को हटाने के बाद 3 मिनट में वो टंकी भर गई, हमें बताना है कि वो रुकावट कितनी देर तक बनी रही। हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं, हम करेंगे फोर्थ, ए कितने देर में भरता है, ए टंकी को भरता है 12 मिनट में, और बी भरता है 16 मिनट में, दोनों का एलसीएम 48, दोनों का एलसीएम 48, तो 12 4 12 4 जा 48 16 3 जा, ठीक है? ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये 3 की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक रुकावट आती है जिसकी वजह से 7/8 ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू फॉर्मर, पहले वाले से 7/8 जाता है, मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन रुकावट की वजह से अब कितना जा रहा है, 7/8, तो कितना हुआ 3.5, ठीक है? सोल्व किया तो 3.5। ऐसे ही बी में कितना जाता है, बी की एफिशिएंसी 3, जा कितना रहा है 5/6, पहले अगर 3 जाता था लेकिन अब, तो ये आ गया 2.5, ये आया 2.5, ठीक है? ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की, रुकावट के बाद जब रुकावट आ गई उसमें अब 4.5 की जगह 3.5 लीटर जा रहा है, और बी में 3 की जगह 2.5 लीटर पानी जा रहा है, ठीक है? 2.5 बह रहा है मतलब उससे। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि ए प्लस बी दोनों को साथ खोला जाता है, ठीक है? लेकिन रुकावट आती है, और रुकावट के आने के बाद वो कितनी देर में भर जाती है, रुकावट के हटने के बाद 3 मिनट में, जब रुकावट हटती है, रुकावट हटने के बाद कितनी देर में भर जाती है, 3 मिनट में, और एफिशिएंसी 3 में कितनी थी भाई, पहले तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो उस 3 मिनट में उन्होंने कितना भरा होगा, 3 × 7 21, 48 में से 21 वर्क इन्होंने कर लिया, ठीक है? बिना रुकावट के,
ठीक है, तो कितना जो रुकावट, जो यहाँ पे क्या थी रुकावट हुई इनमें, यहाँ पे हुई ना रुकावट, तो 48 में से 21 जाके कितना काम बचा जो रुकावट के साथ हुआ, 48 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आया 27। 27, जो 27 लीटर पानी है वो उन्हें भरा, किन्होंने भरा जब रुकावट आ रही थी तब, तो ये रुकावट वाली एफिशिएंसी कितनी है, 5 इन्हें ऐड करो और उससे डिवाइड कर दो, तीन ये आया 27/7। तो जो रुकावट थी वो थी 4.5 मिनट तक, वो रुकावट बनी रही कितनी देर तक, 4.5 मिनट तक, 7 से इसे डिवाइड करें काटेंगे ठीक है, तो 7 से जब इसे हम करेंगे तो ये आएगा 6.5, 1 मिनट, 5 5 10, ये आएगा 6, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 है, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 6, तो ये आ गया 4, सही 1/2। अब हमने इसे सोल्व किया तो ये आ गया 4.5 मिनट तक वो रुकावट बनी रही। टोटल कितना टाइम लगा उस पूरी टंकी को भरने में, अगर ये पूछता हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, ये तो बताया गया कि 4.5 मिनट तक वो रुकावट बनी रही। अगर वो पूछे कि टोटल कितना टाइम लगा उस पूरी टंकी को भरने में, 4.5 मिनट यहाँ पे लगा और 3 मिनट जब वो रुकावट हटी गई वो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7.5 मिनट लगता है पूरा, पूरी टंकी को भरने में लगता है 7.5 मिनट। तो ये क्वेश्चन था, इसमें क्या बताया गया था, ए इतने में भरता है, बी एक रुकावट आती है जिसकी वजह से पानी पूरा फ्लो नहीं होता, कम होता है, लेकिन जब वो रुकावट हटी तो रुकावट हटने के बाद तो पानी पूरा फ्लो हुआ पूरी अपनी एफिशिएंसी से, पहले वो निकाला माइनस कर देंगे टोटल टोटल वर्क में से, तो ये 27 आ गया, और 27 कितनी देर तक वो रुकावट रही उनकी एफिशिएंसी से, हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, मैंने बड़े इजीली वे में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 5th, अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई टू पाइप्स इन 15 एंड 25 मिनट रेस्पेक्टिवली। जैसे बोला गया कि एक टंकी को दो पाइप, एक 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा भर सकता है 25 मिनट में। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों दोनों पाइप को साथ खोला जाता है फॉर अ सर्टेन टाइम आउट बींग क्लोज, और कुछ देर के बाद क्या आती है, कोई रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से पहले में 5/6 पानी जाता है और दूसरे से 5/8 पानी बहता है, लेकिन द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, जब वो रुकावट हटती है, जब उस रुकावट को हटाया जाता है, ये क्वेश्चन 4th की तरह है, जिन लोगों के 4th समझ नहीं आया इससे एक्सप्लेन हो जाएगा। जब वो रुकावट हटाई जाती है तो जो सिस्टर्न है, जो वो टंकी है, वो 5 मिनट के अंदर भर जाती है, उस टाइम के बाद 5 मिनट में भर जाती है, हमें लगाना हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन्स, तो कितना टाइम था, कितना टाइम लगा उस पूरी टंकी को, जो रुकावट थी वो कितने टाइम तक बनी रही, ये हमें जैसे क्वेश्चन 5th था सेम वैसे ही है। ए भरता है 15 मिनट में, बी भरता है 25 मिनट में, दोनों का एलसीएम 75, 15 5 जा 25 3 जा, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। फॉर अ सर्टेन टाइम आउट बीइंग क्लॉग्ड 5/6 ऑफ वाटर, अब पहले से कितना जाता है एफिशिएंसी 5 का, 5/6 जाता है जब कोई रुकावट आती है पूरा नहीं बह पाता, तो कितना जाता है 5/6, तो ये होगा 25/6 बहता है उससे पानी, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया 25/6। दूसरे पाइप से ज़्यादा 5/8, 3 × 5/8, 15/8 बहता है दूसरे से, ठीक है, ये था क्वेश्चन में। द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, रिमूव्ड द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 5 मिनट, 5 मिनट में भर जाता है, मतलब ए प्लस बी ने दोनों ने भरना शुरू किया, ठीक है, रुकावट आ गई यहाँ पे, लेकिन वो रुकावट हटने के बाद कितनी देर में भर दिया, 5 मिनट में, वो रुकावट के बाद उन्होंने भरा कितनी देर में, 5 मिनट में, 5 मिनट में भर दिया, और टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट में 5 और 3 8, 1 मिनट में 8 भरते हैं तो 5 मिनट में कितना करेंगे, 5 × 8, तो 40 लीटर्स भर दिया, कितना बचा, 75 में से 40 जाके 35, जो वो 35 लीटर्स पानी है वो कौन भरेंगे, ये दोनों, जब रुकावट आ गई तब इतना इतनी देर तक पानी चला, तो उस टाइम क्या एफिशिएंसी थी, इन दोनों को ऐड करो, तो 25/6 + 15/8 इन्हें ऐड किया तो ये आएगा, जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 145/24, तो जब उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, ये भरते थे 145 से 24, ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो 35 × ये 1/45 से डिवाइड करेंगे, ये खुद डिवाइड में ऊपर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 5 से काटा
तो ये आ गया 169 से 2/9 मिनट तक वो रुकावट बनी रही। वो रुकावट कितनी देर तक बनी रही? इतनी देर तक वो रुकावट बनी रही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई टू पाइप्स इन 30 एंड 36 मिनट। एक टंकी को दो पाइप 30 और 36 मिनट में भर देते हैं। दो बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों पाइप को साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद एक रुकावट आती है जिसकी वजह से 5/6 पानी जाता है पहले से एंड दूसरी से जाता है 9/10। द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड। उस रुकावट को हटा दिया जाता है। द सिस्टर्न इज फिल्ड इन 15 से 1/2 मिनट फ्रॉम दैट मोमेंट। और उसके बाद रुकावट के हटाने के बाद 15.5 मिनट में वो टंकी भर जाती है। हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर फुल फ्लो बिगेन। तो उसे कितना टाइम लगा उस टंकी को भरने में। सेम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th की तरह है। जिन लोगों के अभी भी क्लियर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ सबके समझ में आए। अगर तब भी समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ समझ में आएगा। मैं इतने आराम से और धीरे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 36 में, दोनों का एलसीएम 30 और 36 का एलसीएम आ गया 180। 36 जा 36 5 जा, ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ए से जाता है 5/6 वाटर। एक से जो जाना चाहिए था 6 से, ठीक है, जाना कितना चाहिए था? ए से जाना चाहिए था 6, लेकिन रुकावट की वजह से जा रहा है 5/6, पहले का 5/6 मतलब 5। और बी से जा रहा है 9/10, 5 का 9/10, तो 5 2 जा 10, 4.5 लीटर। ठीक है, ए से अब रुकावट के बाद जा रहा है 5 और बी से जा रहा है 4.5। ठीक है, इतना करने के बाद दोनों टंकियों को साथ खोला जाता है, ए प्लस बी, ये रुकावट वाली, ये ए प्लस बी, कितनी मिनट के अंदर टंकी भर गई। रुकावट हटने के बाद वो टंकी कितनी देर में भरती है? रुकावट हटने के बाद वो टंकी भर जाती है 15.5 मिनट में। तो 15 2 जा 30 और 1 31/2 मिनट में वो टंकी भरी। ठीक है, लेकिन 6/5 कितने लीटर पानी गया? 6/5 11, 1 मिनट में 11 जाता है, तो इतने देर में कितना जाएगा? ये आगा 341/2 इक्वल्स टू 171.5 यूनिट पानी उसमें चला गया। जब वो रुकावट हटी, रुकावट हटने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भरती है, तो इतना पानी बिना रुकावट के भर लेते हैं वो। तो रुकावट के साथ कितना पानी भरा गया? 180 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 9.5। 180 में से इसे 180 में से 180 में से ये माइनस किया 170.5, तो 9.5 लीटर पानी भरते हैं कितनी देर में? एफिशिएंसी क्या है उन दोनों की उस टाइम? 5 और 4 9.5। तो कितनी देर तक वो रुकावट बनी रही? 9.5 से 9.5, 1 मिनट तक वो रुकावट बनी रही। तो कितनी देर तक ये रुकावट बनी रही? 1 मिनट तक। गाइस मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक बताई थी। जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ वीडियो के साथ, आपके जो मैं ये सीरीज लेके आया हूँ राकेश यादव के नोट्स की, उसके साथ साथ मैं ट्रिक्स भी लेके चल रहा हूँ मैथ्स की, उसे आप इग्नोर मत करना, देखना और देखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो वे कैलकुलेशन है वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा टाइम ले लेती है, और जब वो कैलकुलेशन आपको ट्रिक से करनी आ जाएगी, जैसे मल्टीप्लाई करनी, स्क्वायर रूट निकालना, मल्टीप्लाई तो हर को बिना मल्टीप्लाई के और प्लस के तो वो क्वेश्चन होते नहीं है। तो वही क्वेश्चन जब आप खुद सेकंडों में करने लगेंगे, किसी भी चीज़ की आपस में दो नंबर की मल्टीप्लाई सेकंडों में होगी, तो आपको बहुत फायदा होगा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। मैं दो ट्रिक बता चुका हूँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट की, आज लेके आऊँगा मल्टीप्लाई कराने की। तो उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो उन वीडियो को इग्नोर मत करना कि मल्टीप्लाई सब पे आती है। मेरे को पता है मल्टीप्लाई वगैरह सब पे आती है, लेकिन हमें वहाँ पे एक एक सेकंड बचाना है, एक एक सेकंड। तो उसके लिए वे ट्रिक्स होना उससे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और हमारे पास टाइम रहे कि हम देख ले कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो उस पर टाइम दे पाए। तो ठीक है, उनको भी अवॉइड मत करना, वो भी ट्रिक साथ में करते करके चलेंगे हम। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट एंड 36 मिनट। दो टंकी है ए और बी, एक 30 मिनट में भरती है और बी भरती है 36 मिनट में। बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नल को साथ खोला गया, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5/6 and 9/9 ऑफ देयर एफिशिएंसी। जो उनकी एफिशिएंसी का था पहले से 5/6 का काम करता है, कोई रुकावट आ जाती है। आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वॉज रिमूव, कुछ टाइम के बाद उस प्रॉब्लम को हटा दिया जाता है एंड द होल टैंक फिल इन 16.5 मिनट। अब इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। इस बार क्वेश्चन में क्या क्या, पहले हमें बताना था कि वो रुकावट कितनी देर में आई और कितनी देर में टैंक भरा, लेकिन इसमें इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया कि 16.5 मिनट में टैंक पूरा भर जाता है उस रुकावट के साथ। देन आफ्टर हाउ मच टाइम द प्रॉब्लम इज रिमूव, इसमें बताने कि वो प्रॉब्लम कितनी देर के बाद रिमूव की गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टैंक भरता कितने मिनट में है, 16.5 मिनट में, ये रहा 16.5 मिनट। तो 16.5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 33/2 में वो टैंक भरता है। हमें पता है हम क्या करते थे क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखते थे क्लोग्ड जो रुकावट वाली होती थी A+B और उसके बाद फुल एफिशिएंसी, क्या अपनी फुल एफिशिएंसी से वो काम कर, यही तो कर रहे थे दोनों क्वेश्चन में, तो A+B। वो अगर मान लो कि रुकावट x मिनट तक बनी रही, ठीक है, तो टैंक कितनी देर में भरा होगा, कितनी देर तक वो रुकावट बनी रही, कैसे निकालेंगे, पूरे टाइम में से x को घटा देंगे, पूरे टाइम में से पूरा टाइम कितना लगा, 33/2 टाइम लगा भरने में, तो 33/2 टाइम में से x घटा दिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन, ये समझ में आया। हमें पहले यहाँ पे रुकावट वाला निकालते थे, यहाँ पे फुल एफिशिएंसी कितनी है, फुल एफिशिएंसी मतलब पूरा कितनी देर में, पूरा भर जाता है 33/2 मिनट में, तो 33/2 मिनट में तो एक्स माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि कितनी देर में वो टंकी भर, कितनी देर तक वो रुकावट बनी रही, उसके लिए हमने एक्स को माइनस कर दिया। अब करेंगे कैसे, ए भरता है कितने में, सेम 30 में, बी भरता है 36 में, एलसीएम दोनों का 180, 30 से करेंगे 6, 36 से इसे डिवाइड करेंगे 5, ए की एफिशिएंसी से बी की 5, ठीक है, ए की 6, तो ए क्या होगा, ए से बहता है 5/6 5 लीटर पानी रुकावट के बाद, और बी से बहता है 5/9/10 तो 4.5, ठीक है, ये आ गई। मतलब ये कितना पानी बहता है एक्स मिनट तक, कितना, एक मिनट में 5 और 4 9 जो बंद है, कितनी रुकावट के बाद, कितना, 9.5 लीटर, और बिना रुकावट के कितना पानी बहता है, 6/5 11, पूरा टैंक कितनी देर में भरा, 33/2 रुकावट के साथ, जब रुकावट हटा दी तो बिना रुकावट का इतना ही तो होगा, ठीक है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया 9.5x + 11/33/2 - x = 180। कैसे, क्योंकि जब ये दोनों साथ मिलके कर रहे हैं तो टोटल कितना पानी भरते हैं, 180 लीटर टोटल वर्क तो यही हुआ है ना, तो इन दोनों को ऐड किया, इसके इक्वल रखा, सोल्व करेंगे तो 9.5x प्लस इसे सोल्व किया तो ये आ गया 181.5 - 11x = 180। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स आ जाएगा 1 मिनट। तो उस प्रॉब्लम को कितनी देर के बाद ठीक किया गया, उस प्रॉब्लम को 1 मिनट के बाद ठीक कर दिया गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। आने वाले मैं करूंगा वीडियो आपको बना के, 2-4 प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे ही 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं वीडियो बना के आपकी हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से आपकी वीडियो, वहीं पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा उस वीडियो में। दूसरी चीज़, मैंने बोला है आज कि मैं ट्रिक बताऊंगा, उन्हें इग्नोर मत करना, उन पर भी ध्यान बनाए रखना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे। इससे क्या होगा, जो लोग कोचिंग करने के लिए नहीं आ सकते हैं या फिर किसी वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। चलो थैंक यू यार, और अपना मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।